गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछौरिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने लिरिक के ऊपर अपलोड किया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म या इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट से है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग एलिजी पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोटबुक, अपनी कॉपीज, अपने पेन अपने पास रखिए और जो डिटेल्स मैंने आपको इस पैम्पलेट के माध्यम से दी है उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी ही कोई डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एलिजी के बारे में समझाता हूँ। तो एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश साहित्य में जो एलिजी है इज़ अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। सीरियस रिफ्लेक्शन की एक पोएम होती है, यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड, यानी जब कोई मर जाता तो हम लोग काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं या उसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं ताकि हम ये बता सकें कि उसके जाने से यानी उसके इस संसार से जाने से हमें कितना दुख हुआ है। However, for all of its pervasiveness, the elegy remains remarkably ill-defined. तो अगर हम लोग देखें पोएम के संदर्भ में, तो पोएम कई तरीके की होती है, जैसे इससे पहले मैंने सोनेट भी बताया आपको और उसके पहले मैंने जो चर्चा की थी आपसे वो लिरिक की थी और अब मैं आपको बता रहा हूँ एलिजी। तो एलिजी जो है वो ill-defined manner है, यानी कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से, हम लोग इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कोई खुशी है या कोई रोमांटिक मोड में हम इसकी बात करें तो हम उसमें भी बात नहीं कर सकते, कोई फ्रेंडशिप मोड में, कोई देशभक्ति के मोड में नहीं। तो इसको हम जब भी लिखेंगे या जब भी हम लोग इसको देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमेशा सेट बात होती है, कोई ना कोई उसमें हमेशा लेमेंट बात होती है, कोई ग्रीफ की बात होती है, यानी हमेशा दुख की बात होती है, सैडनेस की बात होती है, लेमेंट की बात होती है, कोई भी खुशी की बात नहीं होती। समटाइम यूज अ कैच ऑल टू बी डिनोमिनेट टेक्स्ट ऑफ अ सोम्बर और पैसिमिस्टिक टोन। तो देखो इन्होंने फिर वही बोला कि सोम्बर और पैसिमिस्टिक टोन होती है, यानी हमेशा जो बात कही जाएगी वो हमेशा किस चीज़ की बात कही जाएगी, दुख की जाएगी, पैसिमिस्टिक की जाएगी। इसमें हम लोग कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जिसमें हैप्पीनेस प्लेजर की बात करें। समटाइम्स एज अ मार्कर फॉर टेक्सुअल मोनूमेंटलाइजिंग एंड समटाइम स्ट्रिक्टली एज अ साइन ऑफ लेमेंट फॉर द डेड। अगेन हम लोग किसी के मरणोपरांत ही जो एलिजी है उसकी बात करते हैं। चलिए बहुत छोटी डेफिनेशन है, आप पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यानी कोई भी सीरियस ट्रेजेडी हो तो हम लोग उसके ऊपर पोएम लिखें, दैट इज़ एलिजी। टिपिकली अ लेमेंट फॉर अ डेड, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अ पोएम रिटन इन अ एलिजिक कपलेट। तो इसका एलिजिक कपलेट यानी मैं आपको कपलेट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग दो लाइन जब लिखते हैं तो जैसे चार लाइन लिखते हैं तो उसको हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं और जब हम लोग दो लाइन लिखते हैं तो उसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। तो दो लाइन के स्टैंजा में जब हम लोग एलिजी एक कपलेट लिखें तो उसको हम लोग एलिजी कहते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी फेमस एलिजीज हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडस ये बहुत फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती। थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एलिजी रिटन इन या कंट्री चर्च यार्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती। फिर उसके बाद में है पीवी शैली, तो पीवी शैली के द्वारा लिखी गई एडोनियस तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती। उसके बाद आपकी थायरिसिस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, तो थायरिसिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो चार बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े कवियों ने लिखी है, बहुत ही बड़े पोइट्स ने लिखी है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए और जो पैम्पलेट मैंने आपको दिया है उस पर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और एलिजी भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप जो टॉपिक पर कहेंगे बनाकर आपको दूंगा ताकि आपके लिए ईजी होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना। थैंक यू वेरी मच।